हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा के हॉलैंड कॉलेज के बारे में। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली जो कि कनाडा के हॉलैंड कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हॉलैंड कॉलेज कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। तो यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है और DLI अप्रूव्ड है। यह कॉलेज 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में जैन, मई और सेप्टेम्बर तीनों इनटेक अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस कॉलेज में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों ही तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट या इसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन में मिनिमम 75% स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइल्स रिक्वायरमेंट की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6 बैंड स्कोर, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6.5 बैंड स्कोर होने जरूरी हैं, और आपके ईच मॉड्यूल में 6 बैंड स्कोर होने जरूरी हैं। अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब हम बात करते हैं PT रिक्वायरमेंट की। अगर आपने PT का टेस्ट दिया हुआ है और इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 58 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TOEFL रिक्वायरमेंट की। अगर आपने TOEFL टेस्ट इंटरनेट बेस्ड दिया हुआ है तो आपके ओवरऑल 85 स्कोर, और अगर आपने TOEFL टेस्ट पेपर बेस्ड दिया हुआ है तो 550 स्कोर होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप ड्यूरेशन की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो 2 ईयर्स का, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। बट आपने इस गैप के ड्यूरिंग क्या एक्टिविटी करी है, इसकी जस्टिफिकेशन आपको कॉलेज को प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज की एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो इस कॉलेज की एप्लीकेशन फीस है 100 कैनेडियन डॉलर, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको ऑफर लेटर कितने टाइम में मिल जाता है। तो इस कॉलेज से ऑफर लेटर मिलने का जो अप्रोक्सीमेट टाइम है वो 1 मंथ का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी है। तो इस कॉलेज की जो अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस है वो 10,000 कैनेडियन डॉलर है, बट ये फीस प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, वहां से जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस ड्यूरेशन के कोर्स के लिए कितने टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में अकोमोडेशन ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में अकोमोडेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके साथ ही इस कॉलेज में कोऑप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हॉलैंड कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम इसी प्रकार मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। इसके अलावा आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।